सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर 11 में आ गए और यहाँ पर हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले मेरिट्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है इजी टू फॉर्म। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं बहुत इजी होते हैं फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे उनको बस एक रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, 10 मेंबर्स चाहिए, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बहुत ही ईजी और सिंपल है, इसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब देखिए, क्योंकि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है जो कि उसके मेंबर्स से डिफरेंट अलग होती है। तो इसीलिए उनके मेंबर्स की लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है। लिमिटेड किस हद तक होती है, लिमिटेड उस हद तक होती है जितना तक कि मेंबर्स की कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है। देखिए यहाँ लिखा है कि द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मेंबर्स की जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। एट द टाइम ऑफ लॉसेज द क्रेडिटर्स कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ही यही है कि अगर कभी कुछ लॉस हो जाए, घाटा हो जाए, तो जो क्रेडिटर्स हैं वो कभी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते मेंबर्स की, कि हमारी जो हमारा जो हिसाब है वो चुकता करने के लिए मेंबर्स अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच दें, ऐसा क्रेडिटर्स नहीं कह सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कॉन्टिन्यूटी। क्योंकि हमारी जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है क्योंकि वो रजिस्टर्ड होते हैं, और मेंबर्स की आना और जाना, ठीक है, मेंबर्स का इससे जुड़ना और इससे इसको छोड़ के जाना बहुत इजी होता है, ओपन होता है इसकी मेंबरशिप की प्रोसेस, इसीलिए ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है, ठीक है। इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है, इसकी लाइफ होती है, ये मेंबर्स पे डिपेंड नहीं करती। अगर कोई मेंबर चला भी जाए, उसको कोई डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी वगैरह हो जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाकी मेंबर्स रहते हैं और उस मेंबर की जगह अगर चाहे तो कोई और मेंबर आके ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी लार्ज पीरियड ऑफ टाइम तक कॉन्टिन्यूटी रहती है, बिजनेस के एग्जिस्टेंस को कोई डर नहीं रहता है कि किसी मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी के कारण जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो कॉन्टिन्यूटी रहती है। इसके बाद है डेमोक्रेटिक सेटअप। तो डेमोक्रेटिक सेटअप हमने जैसे फीचर्स में डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर किसी ने कम कैपिटल भी लगाया है, ठीक है, कोई मेंबर के पास अगर ज़्यादा पैसे नहीं, उसने कम कैपिटल इन्वेस्ट किया, कम शेयर्स खरीदे हैं, तो भी उसको इक्वल वोटिंग राइट मिलेगा। यहाँ पे वन मैन वन वोट वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाया तो भी उसको एक ही वोट मिलेगा, और किसी ने कम कैपिटल लगाया तो भी उसको एक ही वोटिंग राइट मिलेगा, ठीक है। इसी को डेमोक्रेटिक सेटअप कहते हैं। उसके बाद है ओपन मेंबरशिप। अब ओपन मेंबरशिप मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कॉन्टिन्यूटी वाले पॉइंट में कि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जब भी आए चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, कोई जब चाहे तो छोड़ के जा सकता है। अगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन सर्विस मोटिव है उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड है उससे बेनिफिट करने का या उस चीज़ का बेनिफिट दूसरे लोगों को पहुँचाने का, तो वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है और जब चाहे छोड़ के जा भी सकता है, ओके। उसके बाद इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं। द ऑपरेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स एंड व्हाइल परचेजिंग गुड्स और रॉ मटेरियल्स मिडलमैन आर एलिमिनेटेड सो दे कैन गेट द रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स एट अ लो कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस होते हैं वो ज़्यादातर उसके मेंबर्स ही करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मेंबर्स के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने पे मिडलमैन जो होते हैं, जो बीच में जो दलाली जो होते हैं, जो कमीशन खा जाते हैं, उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि मेंबर्स डायरेक्टली इन्वॉल्वड होते हैं परचेज वगैरह में। वो बाज़ार में जाके सस्ते दामों में चीज़ें खरीद के ला सकते हैं, उन्हें किसी थर्ड पर्सन पर डिपेंड होना नहीं पड़ता है, ओके। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक्स। और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन तो लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते नहीं हैं, तो इसलिए उनको लार्ज स्टॉक वगैरह भी रखना नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक लार्ज रखने से क्या होता है, आपको लॉसेज होने के चांसेज होते हैं, स्टॉक डैमेज होता है, तो ये लोग थोड़ा स्टॉक रखते हैं। थोड़ा स्टॉक रखने के कारण से कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द स्टॉक भी कम होती है,
ड्यू टू कैश ट्रेडिंग देयर आर नो बैड डेट्स। जनरली कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे लेन देन होते हैं वो नगद में यानी कि कैश में होते हैं, तो बैड डेट्स वगैरह के भी कोई चांसेस नहीं होते। और क्योंकि सारे मैक्सिमम डीलिंग्स जो है वो मेंबर्स के साथ ही होते हैं, हमको पब्लिक एट लार्ज को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, इसलिए एडवर्टाइजिंग वगैरह का खर्चा भी उतना नहीं होता है। ठीक है, अब आइए ये एक पॉइंट देखते हैं, नया पॉइंट है स्टेट पैट्रोनेज। अब स्टेट पैट्रोनेज क्या है चलिए एक बार पढ़ते हैं। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस गेट वेरियस बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को बनाएं, ठीक है, इसीलिए वो काफ़ी तरह के बेनिफिट्स देती हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को। उसमें से क्या क्या है, उनको कुछ टैक्सेस में रिबेट मिलते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैन गेट रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा सब्सिडाइज रेट्स, यानी कि गवर्नमेंट इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा सब्सिडाइज्ड रेट्स में प्रोवाइड करती है, ठीक है। लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन्स भी ऑफर करती है गवर्नमेंट, और ये जो लोन्स होते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत इजी होते हैं, यानी कि इतने टफ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होते कि इनको लोन ही नहीं मिल पाए, आसान शर्तों पर जो है लोन मिल जाती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का दर जो है वो भी काफ़ी लो रहता है। ओके, अब देखिए एट्थ पॉइंट है सोशल यूटिलिटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं ये तो सोशल एक सर्विस मोटिव के लिए ही बनाई जाती हैं, ठीक है, तो इनसे सोसाइटी को, जो सोसाइटी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, उनको फ़ायदा मिलता है, उनको सहूलियत मिलती है। यहाँ क्या लिखा है चलिए एक बार पढ़ते हैं। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनता ही इसलिए कि सोशल जस्टिस और म्यूचुअल कोऑपरेशन हो सके। सोशल जस्टिस यानी कि समाज में जो हो रहा है वो सही होना चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर रोक लगाई जाए, और म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी कि एक दूसरे की सहायता करना, ठीक है। तो ये जो है ये इस थीम पर ही कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, और इस थीम को वो प्रोमोट भी करती हैं। दे प्रोमोट सेल्फ हेल्प मोरल वैल्यू अमॉन्ग द मेम्बर्स। तो सेल्फ हेल्प यानी कि खुद की हेल्प खुद करना। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अगर बेरोज़गार होते हैं तो वो अकेले अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो इकट्ठे आके एक ग्रुप बना के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, जहाँ पर वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक छोटा सा बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, तो उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ लोग इकट्ठे आकर अपनी मदद खुद करते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। अब क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं, जनरली ज़्यादातर इकोनॉमिक पावर उनके हाथ में ही होती है, ठीक है। आप ज़्यादातर देखे होंगे कि हर इंडस्ट्री में, चाहे आप ऑटोमोबाइल कह लें या आप स्टील वगैरह की इंडस्ट्री कह लें, कोई एक कंपनी होती है जो बहुत बड़ी कंपनी होती है और उस इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है। जैसे ऑटोमोबाइल के केस में मारुति उद्योग है जो बहुत बड़ी कंपनी है और उस इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है। पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, मैं स्मॉल स्केल में बात कर रहा हूँ कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनके कारण क्या होता है कि सब लोग मिल के वैल्यू देते हैं, पैसा लगाते हैं, और सब लोग उसका बेनिफिट इक्वली उठाते हैं, प्रॉफिट भी जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक ही के पास पूरा इकोनॉमिक पावर नहीं रह सकता, वो इंडस्ट्री को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल करने वाला सिनेरियो इसमें नहीं रहता है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हर मेंबर की से होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि वन मैन वन वोट वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसके हाथ में सारा पावर चला गया, सारा मैनेजमेंट डिसीजन पावर, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे सबको इक्वल वोटिंग पावर, इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर मिलता है, इसीलिए इसे सोशल यूटिलिटी कहते हैं। ओके, अब एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहला सबसे डिमेरिट है जो है वो है लिमिटेड कैपिटल। तो लिमिटेड कैपिटल कैसे हो गया चलिए पढ़ते हैं। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर्म्ड बाय द पीपल हु हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयर इज़ नो कंपल्शन टू कंट्रीब्यूट सम मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बिकम अ मेंबर, ठीक है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाते हैं, जिनके पास कम पैसे होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं होती कि इतना मिनिमम पैसा आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट ऑल्सो डिस्करेजेस पीपल टू इन्वेस्ट मोर, सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज फेस अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ड्यू टू लो रेट ऑफ रिटर्न। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर आप ज़्यादा कैपिटल भी लगाएं, ठीक है, तो भी आपको एक वोट मिलेगा, और अभी भी मैंने बताया है, और अगर आप कम कैपिटल भी लगाएं तो भी आपको एक वोट मिलेगा।
प्लस एक चीज़ मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस में, यहाँ पे आपको कैपिटल के हिसाब से जो है सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। कैपिटल के ऊपर आपको एक वेरी लो रेट ऑफ डिविडेंड मिल जाएगा, बहुत ही कम डिविडेंड मिलेगा जो आपके कैपिटल के ऊपर होगा, और बाकी प्रॉफिट या सरप्लस जो होता है वो एक्चुअली मेंबर्स की डीलिंग्स के ऊपर डिसाइड होता है कि किस मेंबर ने ज़्यादा डीलिंग की है, किस मेंबर ने बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट करवाया है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट के शेयर मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि मैं क्यों ज़्यादा कैपिटल लगाऊँ इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, जितना भी कैपिटल लगा लूँ मुझे एक ही वोट मिलने वाला है, मुझे एक ही वोटिंग राइट होगा, ठीक है, और ज़्यादा कैपिटल लगाने के बाद भी बहुत लो रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, तो मैं क्यों ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट करूं। तो ये सोच जो होती है मेंबर्स की, ये जो मेंबर्स पीछे हट जाते हैं पैसा लगाने से, इसके कारण उसके कारण इसकी कैपिटल जो है बहुत समय लिमिटेड हो जाती है। और प्लस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोग बनाते हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो लोग इसे फॉर्म करते हैं वो खुद की हेल्प करने के लिए फॉर्म करते हैं, जैसे फार्मर्स हो गए या एक हाउसिंग सोसाइटी के कंज्यूमर्स हो गए, तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहता कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास है तो हमने बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट भी कर दिया, इनके खुद के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसीलिए एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये एक बात है कि यहाँ पर कैपिटल जो है जनरली लिमिटेड होता है। उसके बाद इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ मेंबर्स मिलके एक टीम बना देते हैं जिसे कहते हैं मैनेजिंग कमिटी, ठीक है, वही इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। तो ये भी मेंबर्स में से ही होते हैं, मेंबर्स में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके एक मैनेजिंग कमिटी बना दी जाती है। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मेंबर्स हैं या जो भी मैनेजिंग कमिटी में गए हैं, ये कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर्स, MBA किया हुआ या कोई ज़्यादा मैनेजमेंट की डिग्री पाया हुआ कोई इंसान नहीं होता है, ठीक है, ये हमारे आपके जैसे कॉमन लोग होते हैं और इनके पास एक्सेप्शनल मैनेजरियल स्किल्स नहीं होते हैं, इन एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, ठीक है। और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की इतनी अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ भी नहीं होती कि वो अच्छी खासी सैलरी दे के प्रोफेशनल और क्वालिफाइड पीपल को रखें अपने बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, इसलिए कभी कभी मैनेजमेंट जो है वो इनएफिशिएंट हो जाता है और डिसीजंस लेने में गलती कर देता है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, नो मोटिवेशन। अब यहाँ पे आपको पता होगा, जैसा मैंने डिस्कस किया है, कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादातर काम जो है डेली अफेयर्स, वो ज़्यादातर इनके मेंबर्स ही देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा बाहरी लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन आप इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मेंबर इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का पार्ट या इंसेंटिव या कुछ वैसा कुछ रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एफर्ट्स दिए जाते हैं ये खुद की मर्ज़ी से दिए जाते हैं, ठीक है, ये आपके वॉलेंटरी एफर्ट्स होते हैं। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि लोगों में मोटिवेशन ही नहीं होता है कि मैं क्यों इतना एफर्ट दूँ, मेरे एफर्ट्स तो फालतू में चले जा रहे हैं, इससे अच्छा मैं खुद का कोई पर्सनल बिजनेस करूँ या कहीं अपने जॉब में या अपनी फैमिली को टाइम दूँ, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा काम करने के लिए कोई डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं होता है, तो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग को थोड़ा सा इफेक्ट तो करता ही। अब कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। अब जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे देखिए डिस्प्यूट्स तो होना है ही, और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आते हैं, कोई बंगाली, कोई गुजराती, कोई मद्रासी भी हो सकता है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है, और अगर कोई अड़ जाए अपनी बात पे तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो है ही। अब क्या होता है कि कुछ कुछ लोग जो हैं यहाँ पे सर्विस मोटिव से तो स्टार्ट होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जनरली धीरे धीरे उनका मोटिव सर्विस से ज़्यादा सेल्फिश मोटिव में बदल जाता है, और सेल्फिश मोटिव वाले इंसान जो हैं वो कहीं अपना फ़ायदा देखने लगते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, इसके कारण उनके दूसरे मेंबर्स से जो है कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, जिसके कारण जो है डिस्प्यूट्स होते हैं और इसकी जो वर्किंग है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की उसमें फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, उसमें इफ़ेक्ट हो जाता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। और पांचवा पॉइंट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करना चाहती है, तो प्रमोट करने के लिए उसे कम रेट पे लोन देती है, अदर फिनेंशियल बेनिफिट्स देती है, जैसे कि कंसेशनल टैक्सेस हो गए, उसके बाद कुछ सब्सिडाइज्ड रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराती है,
तो इन सब चीज़ों के कारण गवर्नमेंट एक कंट्रोल भी रखना चाहती है कि मैंने जो सुविधाएं प्रोवाइड की, मैंने जो कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को, क्या उस चीज़ का ठीक से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, क्या उन रिसोर्सेज का गलत फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा है, क्या उन लोन्स को कोई प्रॉफिट मोटिव में तो नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पे गवर्नमेंट अपनी नज़र गड़ाए रखता है। तो कैसे करता है? एज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस गेट वेरियस कंसेशंस एंड बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इन रिटर्न देयर इज एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इट अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द ऑडिटर्स ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड टू सबमिट इट्स अकाउंट्स विद द रजिस्ट्रार। अब क्या होता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, उसने कंपलसरी कर दिया है कि इनको जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा बाय द ऑडिटर्स ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का एक, उसमें ऑडिटर्स होते हैं, तो वो ऑडिटर्स आएंगे और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को ऑडिट करेंगे और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट्स है उसको रजिस्ट्रार के पास भी जमा कराना पड़ेगा। तो इसी रेगुलेशंस के कारण थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, ठीक है, और एफिशिएंसी जो है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये रहे डिसएडवांटेजेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।